वंदना पांडे। कहाँ से आए? मैं यही दिल्ली से आई हूँ। तो ये आज प्रदर्शन कर रहे हो यहाँ सड़क में बैठे हो, तो क्या है आपकी मुख्य वजह? देखिए, जो मेन मुद्दा ये है कि जो संत गोपाल दास जी हैं, जो 6 दिसंबर से एम्स एडमिन से गायब है, तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, केंद्रीय सरकार की है, लेकिन सरकार जो है किसी भी तरह की जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ रही है। और ये संतों की जो पूरी एक परंपरा है, जो त्याग है, जो संस्कृति को बचाने की बात है, जो गंगा को बचाने की बात है, गंगा की अविरल और स्वच्छता की बचाने की बात है, इससे सरकार को, जो वर्तमान केंद्रीय सरकार है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो संत गोपाल दास जी जो गायब हैं हमारे बीच से, जो एक जो धरने का एक सबसे मुख्य उद्देश्य है कि उनको जो एम्स एडमिन है, प्रशासन है, वह खोज कर लाए, केंद्रीय सरकार जवाब दे, मोदी सरकार जवाब दे, और नहीं तो सत्ता में रहने का उनको कोई हक नहीं है। जब देश की जनता के साथ, देश के संतों के साथ यदि सरकारें नहीं हैं और सरकारों की निगरानी में, हम तो ये सीधा सीधा कहते हैं कि केंद्रीय सरकार का पूरा हाथ है उनको गायब करने में, एम्स एडमिशन का एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा हाथ है उनको गायब करने में, उनको ढूंढ कर वो जल्द से जल्द लाए। दूसरा ये कि जो हमारे जो जीडी अग्रवाल थे, जो एक लंबे समय तक अनशन पे बैठे रहे और उनको जो है ले जा कर के, एक तरह से ये बताया जाता है कि उनको दिल का दौरा पड़ा अचानक से और फिर उनकी जो है मौत हो जाती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये सरकारी मौत है उनका, केंद्रीय सरकार द्वारा उनकी हत्या की गई है। इससे पहले भी आप देखेंगे जो 115 दिन से अनशन पे थे, स्वामी जो है निगमानंद जी थे, उनको भी जो गंगा का जो अवैध खनन था उसको बचाने के लिए वो अनशन पे बैठे थे, तो उनको भी जो है एक तरह से वहाँ के जो केंद्रीय, वहाँ की सरकार थी, उत्तराखंड सरकार जो भाजपा की सरकार थी, उससे वहाँ के खनन माफिया मिल करके और उनकी हत्या करवा दी। तो इस तरह से इसका लगातार सिलसिला जारी है कि यदि गंगा के आप बचाने के लिए या गंगा की स्वच्छता के लिए या अविरल के लिए या गंगा पे कानून बनाने की बात करेंगे, तो उसके लिए जो संत परंपरा में लगातार, चाहे जीडी अग्रवाल हो, उनकी हत्या की गई, निगमानंद की हत्या की गई, अभी गोपाल दास को गायब कर दिया गया, इसके बाद भी जो उनकी जहाँ पे वो देहरादून में बैठते थे, जो उनका वो आश्रम था जो मातृ सदन के नाम से जाना जाता है, मातृ सदन में हम लोग अभी गए थे उत्तराखंड में थोड़े दिन पहले, 8 तारीख को, 8 दिसंबर को हम लोग गए थे। वहाँ के जो संतों की परंपरा है, जो वहाँ संत और उनके बाद जी डी अग्रवाल के बाद भी बैठे हैं, तो उन लोगों को ये है कि इस परंपरा में जो संत की एक परंपरा है, जो वाकई संत है, संत समाज के बारे में, जो असहाय गरीब पिछड़ा वर्ग होता है उसके बारे में सोचते हैं, उसके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, लेकिन सरकार को इन संतों की जिंदगी से, इन संतों की किसी भी तरह की मांग से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेट का गुलाम हो चुकी है, कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है, इनको ना देश की स्वच्छता से मतलब है, ना गंगा की स्वच्छता से मतलब है, ना गंगा पे ये बात करने के लिए तैयार है। आप देखिए, जब जीडी अग्रवाल धरने पर बैठे थे, तो वो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त में भी बैठे थे, 2008 में, 10 में, 12 में, 13 में, सब में बैठे थे, लेकिन और उस पे मनमोहन सिंह की सरकार ने उनकी जो एक मांग थी, जो उस मांग को उसने पूरा भी किया था, जो उत्तरकाशी वाला पूरा इलाका है, जो गंगा पे जो निर्माणाधीन वाला कार्य था उसको उस सरकार ने रोका था, और 100 किलोमीटर की एरिया तक का जो उत्तरकाशी का जो एरिया था उसको संवेदनशील क्षेत्र भी घोषित किया। अब सवाल ये है कि उसके बावजूद 13 में जब राजनाथ सिंह उस वक्त में जब अनशन पे बैठे होते हैं, जीडी अग्रवाल, स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जी, तो उस वक्त में भाजपा के अध्यक्ष थे, राजनाथ सिंह जी, उस वक्त में उन्होंने वो कहा था कि यदि भाजपा की सरकार बनती, उनको पत्र लिखा था कि भाजपा की सरकार यदि 14 में बनती है तो हम आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि 14 में आने के बाद पूरे देश भर में आतंक मचा रहे हैं, पूरे देश भर में जो है हिंसा, कब्जा और जो है सारे संसाधनों पर कब्जा और कॉरपोरेट लूट के साथ एक तरह से पूरी तरह हो गए हैं।
और गंगा पे अनशनरत जो हमारे जी डी अग्रवाल थे जो संत समुदाय से, उनकी जान तक ले ली, संवाद करने तक की उसने कोशिश नहीं की। और वो अनशन पे बैठने से पहले भी मोदी सरकार के में दो बार पहले पत्र लिखे, दो बार बाद में पत्र लिखे, लेकिन सरकार ने एक बार भी संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की। यह कितनी बड़ी विडंबना है इस देश के लिए कि वही सरकार के लोग, उसी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उस वक्त कहते हैं जब सत्ता में नहीं आए रहते हैं तो हम आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे यदि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो, और सत्ता में आने के बाद ही वो बदल जाते हैं और पूरी तरह से हिंसात्मक प्रवृत्ति के तहत जबरन उनको उठाया जाता है, जबरन उनको बीमारी का वो दिलासा दिया जाता है, जबरन उनकी हत्या की जाती है। तो ये बहुत दुखद है इस हमारे देश के लिए, देश की परंपरा के लिए, संस्कृति के लिए, जो गौरव परंपरा है, जो नदियों की बात है, जो हमारे जो नेता है, हमारे समाजवादी नेता जो सोशलिस्ट पार्टी के रहे, संस्थापक रहे हैं, राम मनोहर लोहिया ने भी बहुत पहले ही उन्होंने लिखा भी है कि 50-60 के दशक में यदि हम देखें तो, कि उन्होंने ये लिखा है बहुत पहले कि जो नदियाँ हैं, भारत की नदियाँ हैं, उसको बहुत जोर देते थे उसकी स्वच्छता पर, और वो बहुत जरूरी है उसकी स्वच्छता गंगा नदी की, क्योंकि वो एक तरह से हमारा जीवन दायी है। जल के बिना तो हम कहीं भी नहीं है ना, और बिना नदियों की स्वच्छता के बिना आज हम गंदे पानी पीने के लिए विवश तो हो नहीं सकते हैं। सारी नदियां प्रदूषित हो रही है, बहुत नदियां सूख गई हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे देश के लिए, देश की संस्कृति को कैसे बचाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते कि गोपाल दास जी को जो इसका गायब करने की जो प्रवृत्ति है सरकार की वह ढूंढ कर लाए, नहीं तो सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में बगावत होगी। और गंगा प्रेमी है और जो गंगा एक्ट की बात किए थे, जो जिन चार मांगों के साथ जीडी अग्रवाल धरने पे बैठे थे लंबे समय तक, उनकी संस्थानिक हत्या की गई सरकार द्वारा, तो उनको जो है ये सरकार को हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप नहीं सचेत हुए समय रहते हुए तो फिर जो है सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तमाम जो गंगा भक्त हैं, जो आम जनता है, जो हर तरह से आपके जुल्म से, आपके खौफ से, आपके कब्जा से परेशान है, वो सारे तमाम प्रगतिशील लोग मिलकर के, छात्र समुदाय, किसान मजदूर एकता, महिला पुरुष, सारे लोग हम लोग मिल करके, सारे संत परंपरा जो वाकई संत परंपरा से है, तो वो सब आपको सत्ता से खदेड़ेंगे। और आपने जो वादा खिलाफी की है देश के साथ, नाइंसाफी की है, आपने एक भी काम नहीं किया है सत्ता में आने के बाद। तो ये तमाम मुद्दों के साथ जो है हम लोग यहाँ पे, सबसे जो बड़ा मुद्दा है कि हमारे साथ जो संत गोपाल दास जी हैं उनको ढूंढ कर लाना ही पड़ेगा सरकार को। मैं मोदी सरकार को कहती हूँ कि यदि आपने ढूंढ कर नहीं लाया तो इस सरकार को, आपकी इस बीजेपी सरकार को, इस देश में सत्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं है। आप सत्ता छोड़िए, जितना जल्द हो सके खाली कीजिए, नहीं तो आपकी तानाशाही रवैया इस देश में नहीं चलेगी। गंगा को आप बोलते हैं कि हम गंगा की सफाई पे करोड़ों रुपया आप हजम कर जाते हैं और गंगा की सफाई तक एक काम नहीं करते हैं, और गंगा की सफाई उनके मैनिफेस्टो में था जो उन्होंने नहीं किया। तो इस तरह से आप दोयम दर्जे अपना रहे हैं या दोहरा नीति जो अपना रहे हैं देश के लिए, जो हमारे समाज के लिए घातक है, आपका ये जो दोहरा नीति है ये नहीं चलेगा। मैं चाहती हूँ